गाइस, मैंने इसको रात भर सोक कर लिया है। इसमें ये देखिए मूंग की दाल है और थोड़ी सी उड़द की दाल है। 1 कप मूंग की दाल और 1/2 कप उड़द की दाल। उड़द की दाल कम लगेगी, हाँ मूंग की दाल ज़्यादा लगेगी। तो गाइस, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल की कचौड़ी, जो कि दिवाली में हमारे यहाँ ज़रूर बनती है, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा मूंग दाल की कचौड़ी मैं बनाने जा रही हूँ, और अब मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा इसमें जाएगा, पैन हीट हो चुका है, और इसमें थोड़ा सा जीरा, इसको मैं चटकने दूँगी। थोड़ी सी इसमें अजवाइन 1 पिंच, वन पिंच ऑफ हींग, वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, वन स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, हाफ टेबल स्पून सौंफ, इसमें बहुत ज़रूरी है, सौंफ से बहुत एक अच्छा टेस्ट आता है। गाइस, ये मैंने जो सोक की थी दाल, वो उसको मैंने इस मिक्सर में इस तरीके से पीस लिया है। अब दाल मैं इसमें डाल रही हूँ। दाल थोड़ी दरदरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं चाहिए हमें, दाल से थोड़ी दरदरी होगी। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, इसको हमें अच्छे से भून लेंगे। ये भून रहा है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा सा जितना आप टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और सॉल्ट भी अकॉर्डिंग योर टेस्ट, आप जैसा भी सॉल्ट खाते हो, तेज या कम। उसके बाद हम इसको अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। हमें फाइन पेस्ट तैयार करना है, इसको बहुत ज़्यादा चलाना होता है, अभी ये पेस्ट अच्छा बना। तो गाइस, हमें ऐसा फाइन पेस्ट बनाना है, और उसके बाद हमें बस इसको कूल होने के लिए रखना है। और जैसे आप आलू के पराठे और आलू की कचौड़ी बनाते हैं, बस ऐसे ही उसको फिलिंग देके और इसको बनाना, और लिटरली ये बहुत टेस्टी लगता है। गाइज, ये पैन हीट हो रहा है, और मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे कचौड़ी बना रही हूँ। इसको मैं इस तरीके से, हाँ तो गाइज देखिए, इस तरीके से मैंने इसको फिल किया है, और अब मैं इसका ऐसे अच्छे से रोल करूँगी।
थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको, और इसको इस तरीके से रोल करूँगी। देखिए हीट हो चुका है ऑयल, मैं इसमें इसको डाल दूँगी और इसको हमें मीडियम फ्लेम में सेकना है। तो गाइस देखिए आज का दिवाली का मेरा सारा खाना बनके तैयार है। पूड़ी और ये कचौड़ियाँ, जो मूंग दाल की कचौड़ी थी वो है, और ये झिमीकंद की सब्जी है, सूरन जिसे बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर इसकी फिलिंग, ये देखिए। और आप चाहते हैं कि मैं अगर झिमीकंद की सब्जी, जो कि सूरन की सब्जी भी कही जाती है, अगर मैं उसको उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आज अपने दिवाली के खाने में बनाया है मटर पनीर, झिमीकंद की सब्जी और मूंग दाल की कचौड़ी और पूड़ी और जीरा राइस। तो गाइज आज ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।